हेलो माय ब्यूटी फैमिली, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी शाम 4 बज चुका है फ्रेंड्स। कितना टाइम हो रहा है दीदी? 4 बज रहा है, नहीं 5 बजने वाला है। 5 बज रहा है फ्रेंड। और मैं आई थी इधर मार्केट तक घूमने के लिए। यहाँ एक दीदी है, उनका आईब्रो बनाना था। ये देखिए हमारी दीदी है, इनका दीदी का आईब्रो बनाना था। बोले कि आईब्रो बनाना है तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं दीदी का आईब्रो बनाते हुए। कैसे हम दीदी का आईब्रो बनाते हैं? इसका प्राइस पहले ना 55 था, अभी कितना है? अभी 65 हो गया। हाँ पैकेट यहाँ से आप मतलब ऐसे सिंगल पीस लेने पे 55 पड़ता था, ठीक है, लेकिन ऐसे 60। चलिए फ्रेंड्स दीदी का आईब्रो बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स दीदी का आईब्रो कैसा बना दीदी? क्या हम वो तो निकालेंगे, अभी खाली आपको दिखा रहे हैं, पतला नहीं हुआ है ना। देखिए दीदी, ये देखिए फ्रेंड दीदी का आईब्रो। वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया आपको कैसा चाहिए सेप, है ना। दीदी का आईब्रो बनाया, दीदी अब अपना आईब्रो पेंसिल लगा रही है। जब से डॉक्टर बनाया है ना तब से मतलब हमको पैसा नहीं लगा आईब्रो बनाने का। हम बना दिए उनका, वो बना दी मेरा, या फिर किसी ब्यूटी पार्लर में भी गए ना बनवाने तो वहाँ भी आपको बना दिए। मंदिर गया था क्या? हाँ मोबाइल चलाया। अच्छा बच्चा लोग और मोबाइल चला रहा था, भजन गा रहे थे बच्चा लोग और कैसे है बेटा? ज्यादा फोन नहीं देखना चाहिए। मंदिर में प्रणाम किया था भगवान जी को? दीदी आप दीदी आईब्रो भी बनवा ली पार्लर में, क्या कीजिएगा। हम भी सोचे थे लेकिन हम नहीं बना, पार्लर भी ये सब नहीं चलेगा आंटी। चलिए आप लोग को एक मंदिर भी दिखाते हैं। बना दीजिए भैया, ज़्यादा चटनी में लहसुन डाले होंगे ना? नहीं, ये है मंदिर, शिव मंदिर। ये आपको बैरिया चौक डालते हैं, हमें मंदिर है शिव मंदिर। यहाँ बैरिया चौक में एक बड़ा बाजार है, मॉल है फ्रेंड, वहाँ दिखाएंगे। वहाँ का क्वालिटी कपड़ा का इतना अच्छा रहता है और मतलब हर एक सामान का प्राइस भी बहुत अच्छा रहता है। तो कल मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे आगे बढ़ते अर्पिता भैया, देखिए कहा आप लोगों को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा?
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कान्हा जी बोला कि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या बोला बेटू, जल्दी बोलो। अभी कान्हा जी आया है, अब उसको नाश्ता पानी करेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा। आज कान्हा जी ना आप लोग को ये क्या सुनाएगा बेटा, आज तुम क्या सुनाएगा, क्या सुनाएगा आज, क्या सुनाएगा बेटू? आज मेरा कान्हा जी आप सभी लोगों को श्याम बाबा का स्तुति सुनाएगा। जिसको नहीं आता होगा फिर कान्हा जी से सीख लीजिएगा, सिखा देगा ना बेटा श्याम बाबा का स्तुति सारे फ्रेंड्स लोग को। उन लोग नहीं मानते क्या? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरा कान्हा जी आप लोग। तुम कलर करने लगा, पहले तुमको श्याम बाबा का स्तुति सुनाना है ना। अरे अब हमको लट्टू भी सुना, मैं तो भूल ही गया था फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोग को सुनाता हूँ मैं श्याम बाबा का स्तुति। सुनाओ। अरे इसी से कर। हाँ सुनाओ। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन्य चित लगाए दास आयो शरण में, लखियो इसकी लाज दंडन नारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम मैं रटू गा, श्याम श्याम मैं रटू, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में पड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बनियो आपकी धाम, फागुन सुगला द्वाद सी उत्सव भारी होए, हमको पता है दरबार से खाई जाए न कोई, उमापति लक्ष्मी पति सीता पति श्री राम, लज्जा सबकी लाखियो खाटू के श्री श्याम, पान सुपारी इलायची इकन सुंदर करे फूल, सब भक्तन की बिनती दर्शन दे बहुजूर। हो गया मेरा अल्लू से तो प्रेम से दर श्याम जी का ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा सिस्टम की पश्चिम। अब नहीं जय जय बाबा श्याम। और सुनाएगा क्या? नहीं अब नहीं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाएंगे। बाय बाय। तब कान्हा जी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में क्या सुनाएगा बेटा? नेक्स्ट ब्लॉग में क्या सुनाएगा? नेक्स्ट ब्लॉग में क्या सुनाएगा? कौन सा पोएम सुनाएगा? नहीं क्या सुनाएगा? बिनती सुन लो है भगवान पढ़ लिखो और जनगणना। अच्छा बिनती सुन लो है भगवान और जनगणना। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को कान्हा जी बिनती सुन लो है भगवान और जनगणना बोलना सुनाएगा है ना। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स।